आप सभी लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यानी शेबी का न्यू यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को खुशामदीद है मेरी वीडियोस में। तो जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि कल ना परसों मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी उस पे आप सब लोगों का ढेर सारा प्यार आया था, और उन सब से मैं दिल दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सब का जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने जिन्होंने कमेंट किया उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और काफ़ी सारे दोस्तों ने वीडियो देखी सही लेकिन उसको लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ तो इस पे आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज जो है मैं आपको अपना सारी चीज़ें दिखाऊंगा, अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो जो चीज़ें हैं मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, और जो जो चीज़ें मैं परचेज़ करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। और उससे पहले जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें। तो कल परसों जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उनके दौरान मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये भी कहा कि भाई आगे भी वीडियो बनाओ। तो एक दिन मुझे लेट हो गया, मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं सही हूँ। तो अभी तो मैंने वीडियो बनाने का काम शुरू कर दिया है, मैं अभी वीडियो बना ही रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का। ठीक है, तो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मैं लूँगा। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास टिकटॉक बनाने की बनाता था तो वो आई टिकटॉक तो आजकल बैन हुआ हुआ है, लेकिन टिकटॉक वाले अपनी मर्ज़ी करते हैं कि कभी भी मूड हुआ तो चला लेते हैं, कभी भी मूड ना हुआ तो बैन कर देते हैं। तो ये तो अपनी मर्ज़ी पे ही चलाते हैं टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया जो है ना। अभी अभी टिकटॉक पे मैं वीडियोस वगैरह बनाता था, लेकिन अभी क्योंकि टिकटॉक बैन है तो मैंने सोचा यूट्यूब पे क्यों ना भी काम किया जाए। ठीक है, तो उसकी उसके लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेनी पड़ेंगी। तो एक काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने टिकटॉक की वीडियोस बनाने के दौरान ले ली थी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आगे काम आएंगी या मुझे लेनी होंगी। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं लूँगा वो शहर भी मैं आपको घुमाऊँगा, और जहाँ से मैं लूँगा वहाँ वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा, और जो जो का जिस जिस शहर से मैं लूँगा वो शहर भी आपको मैं घुमाऊँगा, और जो शहर से मैं लूँगा वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई ये कितने प्राइस में है या ये कितने की चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और एक बात, अभी मुझे काफ़ी सारा सामान लेना है, लेकिन काफ़ी सारा है मेरे पास। तो गाइज़ अभी मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाऊं कि जो जो चीज़ें हैं मेरे पास और क्या क्या चीज़ लेनी है मुझे। ठीक है, तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं, और मैं आपको पहले तो अपनी मोबाइल्स दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने मोबाइल्स हैं और क्या क्या चीज़ हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखेंगे ये मेरा टिकटॉक बनाने के लिए मैंने ये लिया था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो टिकटॉक बंद हो गई है तो इस वजह से ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको जो है यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए रख दिया है, और ये पीछे लैपटॉप पड़ा हुआ है जो कि अभी यूज़ नहीं करता मैं, तो इस वजह से इस पे धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। तो ज़्यादा मैं आपको नहीं ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। और तो चलते हैं, ये काफ़ी सारी बुक्स भी आपको दिख रही होंगी, तो स्टडी करने भी ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो ये जो है मेरे पास एक गोप्रो भी पड़ा हुआ है, फिर ये इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, और ये मैंने पता नहीं कितने में लिया था लेकिन ये भी मेरा ही है। तो ये गोप्रो जो है
एक गोप्रो है मेरा, और ये काफ़ी सारे मोबाइल्स जो मैं यूज़ भी करता हूँ, ये यूज़ करने वाले मेरे फ़ोन्स हैं, इसकी बैटरी डाउन है, और ये नोकिया का भी सेट है जो मैं चलाता हूँ, तो उन सब ये सब ऑन कंडीशन में है मेरे पास। और एक ये भी मोबाइल है, खैर अभी इतने मोबाइल्स का हम अपन कुछ कर तो नहीं करेंगे तो नहीं, लेकिन ये मोबाइल मैं खुद यूज़ करता हूँ, और ये भी मैं खुद यूज़, ये तीन चार सेट मेरे यूज़ में ही होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इनसे इससे और इस सेट से जो है सिमें निकाल दी हैं, तो लिहाज से ताश भी है, कभी कभार खेल लेते हैं दोस्तों के साथ भाई। और ये गोप्रो है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको यूज़ करके देखूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना न्यू लिया जाए, ये तो अभी पुराना पुराना तो नहीं हो गया है, कभी मैंने इसको यूज़ किया था, लेकिन काफ़ी साल पहले मैंने इसको यूज़ किया था, लेकिन अभी ये देखें कि ऑन होता है, कि बैटरी डाउन होगी, ये ऑन भी नहीं हो रहा, चलें जी ये ऑन भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल्स वगैरह हैं, लैपटॉप वगैरह है, वीडियोस एडिट करने के लिए, ये मोबाइल का चार्जर है, ये मोबाइल का चार्जर है, और ये iPhone 5 मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये iPhone 6 ये मैं यूज़ करता रहता हूँ, और ऊपर मैंने आपको ये दिखा दिए, ये चल रही है, ये वीडियोस को बड़ा अच्छा लुक देती है, और ये एक आईफोन वालों का ही हेडफोन है जो मैं अभी माइक के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, अभी आगे मुझे इंशाल्लाह माइक भी लेनी होगी, और माइक भी चाहिए होगा, और ऐसा एक दो गोप्रो भी ले लेंगे, और एक DSLR कैमरा भी लेना होगा, तो DSLR के लिए मेरे ख्याल से अलग से एक स्टैंड मिलता है, वो भी नहीं, वो स्टैंड भी है मेरे पास, लेकिन अभी वो कोई लेके गया है मुझसे। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो स्टैंड लेना होगा, और एक DSLR का स्टैंड लेना होगा। ठीक है, तो गाइज अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे चाहिए होंगी, लेकिन अभी देखते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें ले सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी। अभी मैंने जो जितनी भी चीज़ें आपको बता दी हैं वो सारी चीज़ें आपने देखी, तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी कराची से, तो इंशाल्लाह वीडियोस में मैं कराची भी जाऊंगा, और माइक तो मेरे ख्याल से यहाँ नवाबशाह से ही मिल जाएंगी, तो नवाबशाह से माइक भी ले लेंगे। खैर फिलहाल तो ये मेरा काम सही चल रहा है, और लेकिन फिर भी माइक लेंगे ताकि अपनी वॉइस को सही कर सकें और आपको ध्यान से सुने और आपको क्लियर सुनाई। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास क्या क्या सामान है मेरे पास, और अभी मुझे मज़े की बात पता चली है कि मेरे लैपटॉप का चार्जर जो है रात जल गया था, तो अभी मुझे लैपटॉप का चार्जर भी लेना होगा। यह बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, आप भी सुन रहे होंगे, तो गाइस अभी हम चलेंगे लैपटॉप का चार्जर लेने, और मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ से लेता हूँ और कितने में लेता हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अभी तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए, अभी वीडियो आगे चलेगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं लैपटॉप का चार्जर लेने। ठीक है, लैपटॉप का चार्जर कहाँ से लूँगा, कैसे लूँगा और कितने का लूँगा, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा अभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वेलकम गाइस, तो अभी हम चल रहे हैं लैपटॉप का चार्जर लेने। ठीक है,
तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं ये शॉप पे मेगाबाइट वालों की, और हमने अभी ये लैपटॉप का चार्जर लिया है, ये हमने 1200 का लिया है। तो गाइस अभी हम लोग वापस घर आ गए हैं, और ये चार्जर जो है मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि मैंने ये चार्जर लिया है 1200 रुपये का। तो ये चार्जर हमने लिया है, अभी हम घर आए हैं, अभी इसको हम चेक करेंगे और चेक करके आपको दिखाएंगे कि ये चल भी रहा है या नहीं। लेकिन ये वैसे है तो न्यू, अभी हमने ये नवाबशाह मेगाबाइट वाला है उससे हमने लिया है, तो उससे जो हमने लिया है तो ये चार्जर अभी देखते हैं काम भी करेगा पता नहीं, नहीं करेगा तो वैसे तो देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, अभी देखते हैं ये काम भी करता है या नहीं। तो गाइस ये मैंने आपको बताया मैंने 1200 रुपये का लिया था, तो फाइनल हमने 1200 रुपये का ये तार जो है वो हमने अलग से ली है, ये जो तार है ना ये हमने अलग से ली है, तो आपको सिर्फ 1200 में ये चार्जर अभी ही देखने हम को लैपटॉप मिलेगा। की चार्जर को चेक करने वाले हैं, देखते हैं कि वो भी चलता अभी है या नहीं। पीछे आप देख रहे होंगे भाई, भाई सेटिंग कर रहा है और लैपटॉप को सेटिंग में कर रहा है कि इसको चार्जर लगा के देखें कि वो चल भी रहा है या नहीं। आए देखते हैं कि भाई कैसे इसको ऑन करता है लैपटॉप को, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई अभी हम चार्जर लेके आए हैं, यू चल रहा है? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, आगे का अल्लाह मालिक है। तो गाइस अभी आप देखना कि ये ऑन तो हो गई है, क्या पता अभी ये इसका ये जो है ऑन हो गया है, अभी देखते हैं कि चार्ज वर्क कर रहा है या नहीं। में चार्ज हो रहा है, आप अभी देख सकते हैं कि चार्ज हो रही है बैटरी। गाइस अभी ये अभी हमारा चल गया लैपटॉप, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो सभी दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पूरी पसंद आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई आई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।